अपकमिंग कोर्स है मेरा जी मॉर्निंग के टाइम में। वो मैंने मॉर्निंग का टाइम इसलिए रखा है स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे स्कूल में या कीटा में चले जाते हैं और वो घर पर रहकर पढ़ना चाहती हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनकी जॉब लेट स्टार्ट होती है। बेआइंस को ग्रुप्स में पढ़ाना मैंने इस साल के मई में शुरू किया था। हमारा फोर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है बेआइंस ग्रुप यानी नेक्स्ट वीक, और उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दी हैं। अगर आप लोग बहुत सालों से जर्मनी में रह रहे हैं और अब तक बेआइंस नहीं किया और आप चाहते हैं जल्दी ही या तो जर्मन नेशनैलिटी ले लें या फिर पीआर के लिए अप्लाई कर लें, तो फिर ये कोर्स आपके लिए आइडियल है, क्योंकि इसको सही तरीके से करने के बाद आप टेल्क डेटा सेट एग्जाम दे पाएंगे। ये डेटा सेट का मतलब है डॉयच टेस्ट फ्यूर सो वांडरा। इमिग्रेंट्स के लिए स्पेशली ये टेस्ट डिजाइन किया गया है, और इसके टास्क को भी मैं इस कोर्स में डिस्कस करती हूँ। अगर आप डीएलजी के रिव्यूज जानना चाहते हैं कि लर्नर्स हमारी सर्विसेज के लिए क्या कहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं। अब बात हो जाए इस कोर्स के बारे में, तो बे आइंस के कोर्स के भी 30 लेसन्स होते हैं, जैसे कि मेरे आ आइंस और आ स्वाय के कोर्स के होते हैं। लेकिन इस लेवल पर मैं 30 लेसन्स को हर हर लेसन को 1.5 घंटे में डिवाइड करती हूँ। इन 30 में से 18 लेसन्स मैंने बनाए हुए हैं मुख्तलिफ ग्रामर टॉपिक्स पर। ग्रामर के टॉपिक्स तो हम डिस्कस करते ही हैं जो कि बे आइंस लेवल पर आपको आने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम ह्योगन भी करते हैं, लेजन भी करते हैं क्लास में डिस्कस उसको, और घर पर लर्नर्स लेटर्स लिखकर मुझे जमा करा देते हैं। 3 क्लासेस एंड पर दी जाती हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उसमें लर्नर्स ज्यादातर लेजन और ह्योगन खुद ही करते हैं, शुआइबन लिखकर सबमिट करा देते हैं, और रिवीजन भी हम कर लेते हैं। जब भी लर्नर्स कहते हैं कि कोई टॉपिक कोई पॉइंट उनको क्लियर नहीं है, तो वो रिवीजन में भी हम उसको कवर कर सकते हैं। वो जो शुरू में मैं बात कर रही थी कि 2-in-1 कोर्स है ये, तो इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात क्या है, वो ये कि इसमें मैंने 9 लेसन्स रखे हुए हैं स्प्रेशन के लिए, और स्प्रेशन में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं। लर्नर से चीजें बुलवा कर चेक की जाती हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, फिर उनकी मिस्टेक्स को नोट कर कर उनको बताया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इन पे अगर आप नोट करें तो नेक्स्ट टाइम आपको अपनी स्प्रेशन बेहतर फील होगी। अगर आप लोग आ आइंस आ स्वाय या बे आइंस के कोर्सेज हमसे करते हैं, तो आपको कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देसी लर्न जर्मन ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, और हमारे पास लर्निंग मटेरियल्स भी हैं जो कि लर्नर्स को पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट वर्जन में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। बे आइंस लेवल चूंकि आपको पता है इंटरमीडिएट है, तो इसमें हम बहुत सारी स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं और डिस्कशंस भी क्लास में होती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। जैसे कि मैं सारे मॉड्यूल्स को साथ साथ लेकर चलती हूँ, तो लेटर राइटिंग भी इस कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और लर्नर्स को कहा जाता है मुख्तलिफ टॉपिक्स पर अच्छे अच्छे लेटर्स लिखने का, और उनको आइडियाज भी दिए जाते हैं कि वो अपने लेटर्स को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जब लर्नर्स को कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंफ्यूजन्स हो, वो डायरेक्टली मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं और बाद में मैसेज कर कर भी। हर एक ग्रुप में मेरी कोशिश होती है कि मैं लर्नर्स का एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवाऊं ताकि वो मिलकर भी स्टडी कर पाए। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये कोर्स आपके लिए, आपके फ्रेंड्स में से किसी के लिए या फिर रिश्तेदारों में से किसी के लिए सूटेबल है कि नहीं, तो मैं आपको जाते जाते ये बताती चलूं कि इस कोर्स के बाद आपको क्या मिलेगा। अगर इस कोर्स को आपने प्रॉपरली अटेंड किया है, छुट्टियां ज्यादा नहीं की और क्लास में अच्छी तरह हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो आपको फिर ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिलेगी। मुख्तलिफ ग्रामर टॉपिक्स जो कि बेआइंस लेवल पे आपको आने चाहिए, उन सभी की डिस्कशन हम इस कोर्स में करते हैं। उसके साथ साथ मैं लर्नर्स की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ मुख्तलिफ कनेक्टर्स लगवाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनवाने के लिए, और इस काम में हमारी हेल्प करती हैं उन लेज़ फर्स्टेन की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस शीट्स, वो भी बेआइंस लेवल की होती हैं। शुरू शुरू में आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि काफी ज्यादा लिसनिंग में बातें होती हैं और लेजन में भी काफी ज्यादा लंबे टेक्स्ट होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमको फिर खुद को यूज टू करना पड़ता है उनको समझने के लिए। जब आप ये वाला कोर्स ठीक तरह से कर पाएंगे, तो असली जिंदगी में फिर आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर लेटर्स लिख पाएंगे।
इस कोर्स के करने के बाद आप डायरेक्टली यही जो एग्जाम मैंने बताया है उसमें अपीयर हो सकते हैं, और अगर आपने प्रॉपरली पढ़कर चीजें याद कर कर सही तरह क्लास में हिस्सा लिया है तो डेफिनेटली आप इस इम्तिहान में पास हो पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। क्या आप में से किसी का फ्रेंड या आप खुद या कोई रिश्तेदार में आइंस के कोर्स के लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।